रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइस के 12th एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेस्ट फ्रेंड और सेलर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सेलर बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि ये सारे पत्थर पैगान क्षेत्र से हैं। फिर बेस्ट फ्रेंड सेलर से पूछता है कि मैंने सुना है कि पैगान क्षेत्र में ज़्यादा खदानें नहीं है और ना ही वहाँ के पत्थर बेहतर क्वालिटी के होते हैं। इस पर सेलर बेस्ट फ्रेंड को समझाता है कि आपका कहना ठीक है, परंतु आज भी वहाँ की पुरानी खदानों से जो पत्थर निकलते हैं वो बेहतर क्वालिटी के होते हैं। फिर हीरो अपनी गोल्डन आइस से पत्थरों को देख रहा होता है, तभी उसे एक जेड स्टोन दिखता है और वह बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि अगर तुम्हें किसी पत्थर को खरीदना भी है तो इसे खरीदो। फिर हमें बेस्ट फ्रेंड को स्टोन कटिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपना पत्थर कटवा रहा होता है। पत्थर कटने के बाद वो पत्थर जेड स्टोन निकलता है और यह देख बेस्ट फ्रेंड और लाइव देख रहे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी और डकैतों के हेड को कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी और डकैतों का हेड का प्लान था यंग मैन को फंसाने का। फिर ब्यूटीफुल लेडी डकैतों के हेड को बोलती है कि पुलिस को तुम्हारा साइड व्यू मिल गया है, तुम ऐसा करो कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर चले जाओ। डकैतों का हेड बोलता है ठीक है समझ गया। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंकल जू यंग मैन को आज की लेडी सप्लायर वाली घटना के बारे में डांट रहे होते हैं और समझाते हैं कि अगर आप आग से खेल रहे हो तो आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए, और फिर पूछते हैं कि तुम्हारे और ब्यूटीफुल लेडी के बीच में कैसा चल रहा है। इस पर यंग मैन बोलता है कि मैं ब्यूटीफुल लेडी को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर अंकल जू उसे समझाते हैं कि वह लड़की जितने तुम्हें क्यूट दिखती है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, और इस बार जो कुछ भी करो सावधानी से करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग में ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ जू कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई उन्हें एक इनविटेशन कार्ड देता है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो टीचर जिया और लेडी ऑफिसर के साथ ब्रेकफास्ट पे आए होते हैं। वे सभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी ब्यूटीफुल लेडी का हीरो को कॉल आता है और ज़रूरी काम से मिलने के लिए बुलाती है। फिर हीरो सभी को बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे ज़रूरी काम से बुलाया है और मुझे अभी जाना होगा, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लेडी ऑफिसर गुस्सा हो जाती है और वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हमें यहाँ तीन जगह के सीन एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पहले सीन में हीरो और ब्यूटीफुल लेडी आपस में बात कर रहे होते हैं, दूसरे सीन में लेडी ऑफिसर गुस्से में हीरो को याद करते हुए अपनी फाइट प्रैक्टिस कर रही होती है, और तीसरे सीन में टीचर जिया बहुत ज़्यादा वाइन पी रही होती है। पहले सीन में ब्यूटीफुल लेडी हीरो को बता रही होती है कि जू कॉरपोरेशन हर साल ब्लाइंड ऑक्शन करवाता है और ज़्यादातर जेडस्टोन अपने नाम पर कर लेता है, परंतु इस बार जू कॉरपोरेशन लालच में आ गया है और इस बार के ब्लाइंड ऑक्शन में उन्होंने एक्सेस सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे सभी छोटे व्यापारियों की एंट्री बैन कर दी गई है और लिमिटेड लोग ही एग्जीबिशन में एंट्री ले सकते हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी हीरो को इनविटेशन कार्ड देती है, तब हीरो पूछता है कि इनविटेशन कार्ड आप मुझे क्यों दे रही हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी बताती है कि पिछले दो साल में कीमती पत्थरों की सप्लाई कम हो गई है, इस बार भी ज़्यादातर जेड स्टोन जू कॉरपोरेशन अपने नाम कर लेता है तो हमारी कंपनी खतरे में आ जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए सप्लाई चेन को संतुलित रखो। तब हीरो पूछता है कि ये जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रही हैं। ब्यूटीफुल लेडी बताती है कि आपने कुछ दिनों में कीमती पत्थरों में जो विशेषज्ञता प्राप्त की है, इससे आपको कीमती पत्थरों की दुनिया में सभी लोग जानने लगे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अब आपको अपना सलाहकार बनाना चाहती है। तब हीरो बोलता है कि ये मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, मेरे पास गोल्डन आइज है जिससे मैं किसी भी पत्थर के अंदर का भाग देख लेता हूँ। ब्यूटीफुल लेडी हीरो की यह बात मजाक समझकर हंसने लगती है और हीरो भी ये देखकर हंसने लगता है। फिर हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि लेडी ऑफिसर के दिल में हीरो के प्रति प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी है और हीरो को याद करके लेडी ऑफिसर जबरदस्त फाइट की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर हमें तीसरे सीन को दिखाया जाता है, जहाँ टीचर जिया ने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली होती है और वो पूरी तरह से तल्लीन हो जाती है। फिर यहाँ टीचर जिया और बेस्ट फ्रेंड के बीच में एक प्यारा सा किसिंग सीन होता है। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड चुपके से रूम पर आता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी हीरो वहाँ आता है और अपनी गोल्डन आइज से बेस्ट फ्रेंड की गर्दन पर लिपस्टिक निशान देखकर सब समझ जाता है। फिर बेस्ट फ्रेंड हीरो को सारी बात बताने ही वाला होता है, उसी समय रूम पर ब्रदरमा आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि जू कॉरपोरेशन ने एग्जीबिशन की जगह बदल दिया है और वहाँ पर एक्सेस सिस्टम लागू कर दिया है, अब हम जैसे छोटे व्यापारी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जाने के लिए इनविटेशन कार्ड की जरूरत होगी। इस पर हीरो बोलता है कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड है जो कि मुझे ब्यूटीफुल लेडी ने दिया है। ब्रदरमा इनविटेशन कार्ड को देखते हैं और बोलते हैं कि इससे तो एक ही आदमी अंदर जा सकता है,
जिस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि आप इसकी चिंता मत करो, इस दुनिया में मेरे जैसे स्मार्ट लोग भी हैं और मेरे पास एक आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मैन को अंकल जू से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ यंग मैन अंकल जू को बता रहा होता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। सभी छोटे व्यापारियों के पास इन्विटेशन कार्ड है और वो सभी एग्जीबिशन में एंटर हो गए, जिस पर अंकल जू यंग मैन को डांटते हुए बोलते हैं कि अरे यार, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? तुम ये सब छोड़ो और अपना ध्यान ऑक्शन पे लगाओ, और ध्यान रहे इस बार भी ज्यादातर जेडस्टोन अपने ही नाम पे निकलने चाहिए। फिर हमें हीरो, बेस्ट फ्रेंड और ब्रदरमा को दिखाया जाता है, जो एग्जीबिशन की एंट्री लाइन में लगे होते हैं। ब्रदरमा बेस्ट फ्रेंड के जबरदस्त आइडिया की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हीरो अपनी गोल्डन आइज से कीमती पत्थरों की एक लिस्ट बना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मैन और असिस्टेंट को सर्विलांस रूम में दिखाते हैं, जहाँ असिस्टेंट यंग मैन को बता रहा होता है कि हीरो अपना गेटअप चेंज करके एग्जीबिशन में आ रहा है, और थोड़ी देर बाद कल की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बोलता है कि लेडी सप्लायर को फंसाने में भी हीरो का हाथ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मैन और अंकल जो को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ यंग मैन अंकल जो को हीरो के बारे में बता रहा होता है कि हीरो अपने लिए हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहा है। मुझे लगता है कि नकली इनविटेशन कार्ड में भी हीरो का ही हाथ है। इस पर अंकल जो बोलते हैं कि हीरो को आज शाम चाय पर आने का इनविटेशन दो। तब यंग मैन पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, हीरो इस काबिल भी नहीं कि वो जो कॉरपोरेशन के चेयरमैन के साथ चाय पर बैठे। तब अंकल जो यंग मैन को समझाते हैं कि हमारा जो कॉरपोरेशन मुनाफा कमाने के लिए व्यवसाय करता है, न कि किसी को अपना दुश्मन बनाने के लिए। अगर आपको किसी को दोस्त बनाकर मुनाफा होता है तो दुश्मन क्यों बनाया जाए? और तुम्हें एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि बिजनेस में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये सब अपने अपने हितों पर निर्भर करता है। अब हम पहुंच जाते हैं एपिसोड के लास्ट सीन की तरफ, जहां हमें अंकल जू और हीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है। अंकल जू हीरो को बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में पता लगाया है कि कैसे तुम प्राचीन वस्तुओं से पैसे कमाए और अब कीमती पत्थरों में एक के बाद एक जेड स्टोन प्राप्त कर रहे हो। मैंने पहले कभी ऐसे प्रतिभाशाली यंग बॉय को नहीं देखा है और मैं चाहता हूं कि दो पावरफुल लोग, तुम और जू कॉरपोरेशन, साथ मिलकर काम करें और साथ में आसमान की ऊंचाइयों तक जाएं। तुम्हें जू कॉरपोरेशन के साथ काम करके अमीरी और ख्याति दोनों प्राप्त हो जाएगी, परंतु यह भी ध्यान रहे कि आपकी किस्मत बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। अगर तुम अकेले ही बिजनेस करने जाओगे तो तुम्हें मुनाफे के साथ साथ बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम इन सब में फेल हो जाओ, क्योंकि जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं वो भी धाराशायी हो जाते हैं। इस पर हीरो अंकल जू को बोलता है कि आपने मुझे ये ऑफर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, परंतु मेरा भविष्य को लेकर कोई प्लान नहीं है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जाता हूँ, और इस बार भी आपके द्वारा आयोजित एग्जीबिशन में भी मैं केवल मौज मस्ती करने ही आया था। मुझे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना पसंद नहीं है, मैं तो जमीन से जुड़े रहना ही पसंद करता हूँ। और जहाँ तक पैसे और ख्याति की बात है, मैं इनकी परवाह नहीं करता। मैं तो दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने में विश्वास रखता हूँ, और आज मेरे पास जो कुछ भी है, पैसे और मेरे यार दोस्त, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। और हीरो की इस बात पर अंकल जो हीरो को बोलते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम इस बार होने वाले ब्लाइंड ऑक्शन में मुझे चुनौती देना चाहते हो, और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।